देखिए कुत्तों का पुंछ भी सीधे हो सकते हैं लेकिन पाकिस्तान का गारंटी मैं नहीं ले सकता। देखिए सांप भी सीधे हो सकते हैं लेकिन पाकिस्तान का मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। इतना बकबक तो कोई दारू पीकर भी नहीं करता जितना पाकिस्तान वाले चैंपियन ट्रॉफी को लेकर कर रही है। पाकिस्तान को इस बात का कोई खुशी नहीं है कि उन्हें चैंपियन ट्रॉफी का मेजबानी करने का मौका मिला है। उन्हें तो इस बात का दर्द है कि टीम इंडिया उनकी देश में जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। पाकिस्तान को सिर्फ इतना दिखाना है कि हम सेफ है, हमारी देश में इंडिया आ सकती है और खेल सकती है। टीम इंडिया को पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में ले जाना चाहते हैं, बस यही खुशी चाहिए उन्हें। और दोस्तों इसी मुद्दे को लेकर देश की दोनों आर पार इस समय गर्मा गर्म हो रही है। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि दोनों देश की मीडिया इस समय वार के लिए तैयार है। हरभजन सिंह ने तो पाकिस्तान को कह दिया था कि हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, पाकिस्तान की जरूरत है हमारी, हमें जरूरत नहीं है पाकिस्तान की, हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, जो उखड़ना है उखड़ ले। लेकिन एक बार फिर हरभजन सिंह ने उस चीज को रिपीट कर दिया और हरभजन सिंह ने यह कह दिया कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला है, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की एक मीडिया रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा पाकिस्तान जाने के लिए मान गए हैं। यह वीडियो वायरल कर रही है पाकिस्तान वाले जिस वीडियो को वायरल कर रही है उस वीडियो में रोहित शर्मा एक इंटरव्यू में यह कह रहा है कि पाकिस्तान हम जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे ये डिसाइड करेंगे बीसीसीआई। हम पाकिस्तान में जाकर खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे ये खिलाड़ियों के हाथ में नहीं होता है, ये डिसाइड करेंगे हमारी देश, ये डिसाइड करेंगे हमारी क्रिकेट बोर्ड। दोस्तों पाकिस्तान वाले ये भी नहीं जानते कि खिलाड़ी डिसाइड नहीं कर सकते कि हम पाकिस्तान में जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, फिर भी ये लोग बड़े बड़े बातें करते हैं। अरे हम पाकिस्तान में कैसे जाएंगे भाई, तुम्हारी यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं, आतंकवाद निकाल आते हैं, पाकिस्तान से आतंकवाद आकर हमारी मुंबई में अटैक कर देते हैं, पाकिस्तान में श्रीलंकाई क्रिकेटर को अटैक कर देते हैं, कई बार पाकिस्तान में कोई सीरीज रद्द करना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान की जो परिस्थिति है, जो सिक्योरिटी का मसला है वो अच्छा नहीं है। रोहित शर्मा ने यह नहीं कहा कि हम पाकिस्तान में जाने के लिए तैयार है, हम पाकिस्तान में तब ही जाएंगे या फिर जाने के लिए ससेंगे जब हमारी देश कहेंगे कि तुम लोग जाओ पाकिस्तान में खेलो और उनको धूल चटाओ, जब हमारी बीसीसीआई कहेंगे कि तुम लोग पाकिस्तान में जाओ और उन्हें धूल चटाओ, तभी हमारी टीम पाकिस्तान में जाएंगे। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश की सरकार और हमारी क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ये फैसला नहीं करेंगे कि हमारे देश के खिलाड़ी पाकिस्तान में जाकर खेलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि किसी तीसरा देश में होगा भारत की मैच, क्योंकि भारत सिक्योरिटी के मसले की वजह से पाकिस्तान से बार बार ना जाने की बात कर रही है। और हम क्यों जाए भाई, इतना खराब सिक्योरिटी सिस्टम है, तुम्हारे देश में कुछ भी ठीक नहीं है और लोग कुछ भी अनाप शनाप बोल जाते हैं। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान वाले बार बार ये बिंदी रोना रो रही है कि टीम इंडिया को पाकिस्तान में जाना चाहिए और खेलना चाहिए। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की कुछ ऐसा भी क्रिकेटर है जो सही बात बोलती है। पाकिस्तान की एक क्रिकेटर है सईद अफरीदी, वो बार बार कह रही है कि विराट कोहली को पाकिस्तान में जाना चाहिए, पाकिस्तान में विराट कोहली की बहुत ज्यादा फैंस है, उन्हें पसंद करते हैं, अगर वो पाकिस्तान में जाकर खेलेंगे तो अपनी देश की फैंस को भी भूल जाएंगे क्योंकि विराट कोहली को पाकिस्तान में बहुत ज्यादा प्यार मिलेगा। हाँ ऐसे बात करो, अगर अच्छा बात करती हो तो हमें भी अच्छा लगती है, लेकिन तुम लोगों को बोरों ने कुछ सिखाया नहीं, आज से बात तुम लोग नहीं कर सकते और कुछ भी अनाप शनाप बोल देती हो। तुम लोग बोल देती हो कि मोहम्मद शमी बॉल टेम्परिंग करती है, अर्शदीप बॉल टेम्परिंग करती है, लेकिन भाई ये सारा खेल कैमरे के सामने होती है, तुमको मालूम नहीं है क्रिकेट इतना डेवलप हो गई है। आज के दिन क्रिकेट में स्टाम्प में माइक होता है, वहां पर कैमरा भी होता है और वहां लाइट भी होता है, तुमको मालूम नहीं है मैदान की चारों ओर कितने सारे कैमरा होते हैं और तुम फिर भी बोलती हो कि इंडिया चीटिंग कर रही है। अरे भाई अच्छी तरह से पहले खेलना तो सीखो, इंडिया के सामने तुम लोग बार बार हार जाती हो और उस हार को छुपाने के लिए तुम लोग कुछ भी बोल जाती हो। लेकिन दोस्तों टीम इंडिया इस समय पाकिस्तान नहीं जाएगी चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए, यह फैसला हमारे देश की तरफ से जल्द ही आने वाला है। इंडिया की जितनी सारी मैच है वो किसी तीसरा देश में खिलाया जाए, श्रीलंका में या फिर अरब अमीरात में, क्योंकि टीम इंडिया सुरक्षा की वजह से पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते हैं। पाकिस्तान में श्रीलंका के खिलाड़ियों के ऊपर अटैक हुआ था ये हम भूले नहीं है, इसलिए तुम्हारी देश में हम जाना नहीं चाहती है। इसलिए तुम लोग दोस्तों अनाप शनाप रोना बकना बंद करो और ये बात करो किस तरह से किसी तीसरा देश में खेला जा सकता है टीम इंडिया की मैच। लेकिन दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, भारत सरकार या बीसीसीआई से कोई घोषणा नहीं हुई है पाकिस्तान में टीम इंडिया जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि टीम इंडिया पाकिस्तान में नहीं जाएंगे क्योंकि जिस तरह की हालत है पाकिस्तान की, सुरक्षा बिल्कुल नहीं है, कुछ भी हो जाता है
दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि और कोई देश मना कर दे पाकिस्तान जाने से, इसलिए दोस्तों पाकिस्तान नहीं जाना ही बेहतर होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया को पाकिस्तान जाना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद।